संगठन अलग बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पार्टी एक नहीं है, एजेंडा एक नहीं है, एजेंडा एक नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से पार नहीं पा पाएंगे। तो आप आइडिया को सिर्फ सोच लेने से आइडिया काम नहीं करता, आइडिया को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो मान्यवर ने अंबेडकर को, बाबा साहब को दोबारा से जिंदा किया, ना ही सिर्फ आइडियोलॉजिकल रूप में पर एक राजनीतिक रूप में। तो अगर ये एक अच्छी पहल है तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारे पास रोने के लिए भी हर चीज़ नहीं है। तो हम अपनी अच्छी चीज़ों को अगर आगे लेकर चलें तो आप मान्यवर को दोबारा पैदा कर सकते हैं। आपके हर घर में एक अच्छा पॉलिटिशियन होना बहुत ज़रूरी है। वो पहले कहते थे लोग पुलिस वाला होना, वकील होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में एक अच्छा पॉलिटिशियन होना बहुत ज़रूरी है। तो हर घर में मान्यवर की डिमांड आपके पास होनी चाहिए। घर में मान्यवर तब होंगे जब पढ़े लिखे। मान्यवर कोई गली कूचे के कोई शराबी नहीं थे कि वो कुछ भी बोल देते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मैं जन पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हूँ। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे और बाबा साहब की जयंती यहाँ पर सेलिब्रेट की गई है। ऐसे में कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे सर, बाबा साहब का जो सपनों का भारत है, क्या वो अभी बन पाया है? सपनों का भारत तो मैं नहीं कहूँगा बन पाया है, बाकी हाँ लिखित रूप में तो बाबा साहब ने अपने सपनों का भारत बनाने का भरपूर प्रयास किया है। बस वो ये कहते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ढीला है। वो ढीला इसलिए क्योंकि राजनीतिक रूप से हम लोगों को, हमारा अपना कोई दल जो है, लोग उसको जब तक एक दल होगा तभी हमारा बल होगा। तो जो एक दल वाली बात है वो वाली बात नहीं बन पा रही है। अब जैसे कि बहुजन समाज, मतलब आप भी कह रहे हैं कि जो तमाम टुकड़ों में जो समाज बट गया है, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग संगठनों में, वही एक बड़ी वजह है। वही तो है ही सबसे। संगठन तो छोड़िए आप, हमारी बात, हमारी जो असली लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई है। हम देखो, बाबा साहब ने भी और माननीय काशीराम साहब ने भी यही कहा है कि जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे जब तक हम देने वाला समाज नहीं बनेंगे, जब तक हम मांगते रहेंगे, ठीक है ना। अभी तक जो हुआ है उसमें यही तो देखने को मिल रहा है कि हमारे लिखित में तो हमारा हुआ है, मगर हमें असलियत में हम लीडर जो है, जो लीडरशिप जो है उसको, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में क्या कहेंगे, कितना बदला है समाज अभी? सर समाज बदला है, किस परिप्रेक्ष्य में आप बात करना चाहते हैं? देखें, टेक्नोलॉजिकली समाज बदला है, पॉलिटिकली समाज, मैं सिर्फ बहुजन समाज की बात कर रहा हूं। बहुजन समाज सर अगर राजनीतिक रूप से देखें तो अभी पिछड़ा है, बदला नहीं है और अभी संघर्ष कर रहा है कहीं ना कहीं अपने सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप में बदलाव लाने के लिए। इतनी सारी पार्टियाँ हैं, संगठन है तमाम, आप कह रहे पिछड़ा हुआ है। हाँ, सिर्फ पार्टियों के बन जाने से कुछ नहीं होता, बने तो संगठन भी हुए हैं दुनिया भर के, हज़ारों संगठन, लाखों संगठन रजिस्टर्ड हैं पूरे देश में। लेकिन आपका जो एजेंडा है, आपका जो आइडिया है, अगर जब तक वो एक नहीं होगा, आप जैसे मान्य सारे तो जय भीम चिल्लाते हैं सर, अब तो सारे जय श्री राम भी चिल्ला रहे हैं, वो बात नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जब मान्यवर का आइडिया था कि हम एक पार्टी, एक झंडा और एक आइडिया के, एजेंडा के साथ काम करेंगे, तो आप संगठन अलग बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पार्टी एक नहीं है, झंडा एक नहीं है, एजेंडा एक नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से पार नहीं पा पाएंगे। बाबा साहब का आखिरी भाषण भी तो यही था कि आप राजनीतिक बदलाव कर सकते हैं। हम एक राजनीतिक दौर, मतलब वी आर एंटरिंग इनटू अ वर्ल्ड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, कि हम पॉलिटिकली तो थोड़ा बहुत अलग, मतलब कोशिश करेंगे कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करके कहीं भेज दें, बट सोशली वो समाज वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास सत्ता नहीं होगी। तो समाज को आज अलग अलग जगहों पर खड़े होकर हमने बात की कि कल्चरली साउंड होना और पॉलिटिकली साउंड होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप कल्चरली साउंड होकर एक जगह होकर जमावड़ा करके सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, बट आप अपने कल्चर को कैसे पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हाउ यू आर यूजिंग दैट टूल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, वी आर नॉट लुकिंग फॉर द रिफॉर्मेशन, एज अम्बेडकर सेड, अम्बेडकर ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम प्लान ए टू प्लान जेड। सो अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको बने बनाए ढांचे को टीपा लिपाई नहीं करनी, आपको तोड़ के नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपका आइडिएशनल वैल्यू जितने आप फॉलो करते हैं आपको उनमें काम करने की जरूरत। वो जिस ढांचे की तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, कितना लग रहा है आपको क्या वो ढांचा टूटेगा सर, या कितना कितना संभव है बहुजन समाज के लिए? सर क्योंकि मैं ईगल आई से भी चीज़ों को नहीं देख रहा, यानी कि मैं भी एक छोटी जगह से, देश पूरा आज की डेट में बर्थडे मना रहा है, लेकिन मैं भी अगर अपने आप को देखूँ या इन सारे परिप्रेक्ष्य, सारी फिनोमेना को इकट्ठा देखूँगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं तो एक बदलाव है, और ऐसे ही हम जैसे लोग, लाखों लोग देश में इकट्ठे हुए हैं तो वो एक बदलाव है। लेकिन उस बदलाव की आइडिया को आप इकट्ठा बैठकर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो एक दूसरा आइडिया है। तो आप आइडिया को सिर्फ सोच लेने से आइडिया काम नहीं करता, आइडिया को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और
एग्जीक्यूशन से पहले फॉर्मुलेशन अच्छे से हो जाए तो काम अच्छे से काम होती हैं चीज़ें। तो हमारा ये संगठन का, किसी भी संगठन का अगर है तो सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट नहीं होता, हर संगठन की एक राजनीति होती है, पॉजिटिव होती है, मैं नेगेटिव नहीं कहता। राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है, जिनको लगती है वो उसको गलत तरीके से समझते हैं। राजनीति लोग करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो समाज में एक अच्छा बदलाव करना चाहते हैं। तो अगर किसी संगठन की कोई राजनीति है और वो एक अच्छी राजनीति है तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, मेरी समझ तो इस तरीके से। क्या लगता है जो अभी राजनीतिक रूप से देखें तो जो जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला था बाबा साहब की वजह से, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला था कि वो आगे जाकर रिप्रेजेंट करेंगे उस समाज को, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं खामोश है क्योंकि देश में अगर बदस्तूर प्राइवेटाइजेशन जारी है, लगातार ठेकेदारी व्यवस्था सभी जगह बढ़ रही है, तो कितना मानते हैं उन लोगों को? सर आपको ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि समुंदर की लहरें कभी पीछे जाती हैं कभी आगे आती हैं, वो चांद की वजह से होती है। चांद अगर होगा तो समुंदर की लहरें पास में होंगी, चांद नहीं होगा तो वो पीछे चली जाएंगी। तो ये वक्त का फेर है। आप आइडियाज़ को, फॉर एग्जांपल अगर आप मान्यवर के उदय को देखते हैं तो मान्यवर उस अनएक्सपेक्टेड टाइम पर देश में आए जब अम्बेडकर को लोग भूल चुके थे, तो मान्यवर ने अम्बेडकर को, बाबा साहब को दोबारा से ज़िंदा किया, ना ही सिर्फ आइडियोलॉजिकल रूप में पर एक राजनीतिक रूप में भी। तो हम मैं ये नहीं कह सकता कि मैं या ए बी सी डी कोई इंसान किस तरीके से करेगा, लेकिन हम एक अच्छी उम्मीद की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप हर साल अगर इकट्ठे होते हैं तो आप एक अच्छी उम्मीद के साथ इकट्ठे होते हैं, आप रोने के लिए इकट्ठे नहीं होते। यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हर वो अच्छी चीज़ कर रहे हैं जो सेलिब्रेशन के रूप में कर सकते हैं। तो अगर ये एक अच्छी पहल है तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारे पास रोने के लिए भी हर चीज़ नहीं है। तो हम अपनी अच्छी चीज़ों को अगर आगे लेकर चलें तो आप मान्यवर को दोबारा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अब बाबा साहब तो दोबारा पैदा नहीं होंगे और ना मान्यवर दोबारा पैदा होंगे, तो हमारे बीच में जो भी लोग काम कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों को दोबारा से रिवर्बरेट करना पड़ेगा चीज़ों को। कोई नया आकर आपको, आपके समाज को नहीं बताएगा, या कोई ए बी सी डी इंसान जो इधर उधर बैठे हैं वो हमें नहीं बताएंगे कि हमारे आइडियाज़ और हमारी चीज़ें, हमारी मांगे, हमारी ज़रूरतें, हमारे लिए हक क्या हैं, अधिकार क्या हैं। हमें अपने अधिकार, हमारी सारी चीज़ें खुद ही समझनी पड़ेंगी, और वो चीज़ आएंगी हमेशा, हम घूम घूम कर कहते हैं एजुकेशन से। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक फैमिली लेवल से कोशिश करें कि बच्चों की एजुकेशन में जितना मैक्सिमम हो सकता है इनपुट दें, और कोशिश करें, बहुत ही शायद लोगों को सुनकर अजीब लगे, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को अच्छा नेता बनाएं। आपके हर घर में एक अच्छा पॉलिटिशियन होना बहुत ज़रूरी है। वो पहले कहते थे लोग पुलिस वाला होना, वकील होना बहुत ज़रूरी है, आपके घर में एक अच्छा पॉलिटिशियन होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हो तो बाबा साहब ने भी कहा था, एग्जैक्टली राजनीति सत्ता की पूंजी है, वो कुंजी है, वो एक टर्म है, लेकिन आप एक इंसान की तरफ नहीं देख सकते हर बार। आप कितनी बार देखेंगे, कितने मान्यवर आ जाएंगे? तो हर घर में मान्यवर की डिमांड आपके पास होनी चाहिए। घर में मान्यवर तब होंगे जब पढ़े लिखे मान्यवर, कोई गली कूचे के कोई शराबी नहीं थे कि वो कुछ भी बोल देते थे। ही वॉज ए सोशल इंजीनियर एंड ही वॉज हैविंग ऑल दोस एस्पेक्ट्स, ऑल दोस प्रॉब्लम्स एंड द कम्बाइंड सोल्यूशंस विद दैट। समाज में किसी को प्रॉब्लम से दिक्कत नहीं है, जो आदमी सोल्यूशन लेकर आता है उससे समस्या होती है लोगों को। बाबा साहब के पास सोल्यूशन थे उनसे समस्या थी, मान्यवर के पास सोल्यूशन थे उनसे समस्या थी, पेरियार के पास सोल्यूशन थे उनसे समस्या थी। तो जो इंसान सॉल्यूशंस लेकर आएगा उससे समस्या होगी ही, वो एक नेचुरल सी चीज़ है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक समाज के रूप में भी और एक राष्ट्र के रूप में भी। राष्ट्र का आइडिया कोई हमें क्यों बताएगा, हम इस राष्ट्र के ही लोग हैं। तो हमारी समझ ये है कि एक राष्ट्र के रूप में भी हमें कोई अच्छा बुरा समझने की ज़रूरत नहीं है। और अलग से बात यह है कि कोई समस्या किसी सरकार की नहीं है। मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब लोग सरकारों को गाली देते हैं, यहाँ पर बात सरोकारों की है, संस्कारों की है। क्या कोई इंसान अपने घर से जातिवाद सीखकर अपने बच्चे को कोई अस्पृश्य समाज का इंसान भेजता है? एक्स अस्पृश्य कोई नहीं सिखाता, लेकिन जातिवाद उच्च वर्णों में घर से सिखाया जाता है, ऐसे नहीं तो वैसे। हालांकि हम थोड़ा सा घूम कर आए हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास, हम कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में हैं। और प्रोफेसर विवेक कुमार बहुत अच्छी बात कहते हैं JNU से कि बाबा साहब का कहना था कि मुझे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, लेकिन इस आंदोलन को अगर यहाँ तक लेकर आए हैं तो वो भी पढ़े लिखे पढ़ा है। तो अगर यहाँ पर हम बाबा साहब को क्रिटिक कर सकते हैं, और यही हमारे बाबा साहब से दोस्ती है कि हमारा वो ऐसे दोस्त है जिनको हम क्रिटिक कर सकते हैं हंस के, और वो मानने के लिए भी तैयार है कि हाँ यार ठीक है उस टाइम गलती हो गई मैंने कह दिया। लेकिन इस बात को हमें पॉजिटिवली लेना है, और पॉजिटिवली लेना है, क्या दिक्कत है इस बात को कहने में कि अगर आप यहाँ पर माइक लेकर मुझसे एक सेंसिबल सवाल कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सेंसिबल जवाब दूं, तो वो भी जीती है बाबा साहब की और उस आइडिया की।
तो इस हिसाब से हम विन विन सिचुएशन में, और वक्त बदलेगा हम दोबारा वापस आएंगे और आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई मरा हुआ समाज है, हम जिंदा समाज हैं, और वक्त वक्त पर हमारी आवाज़ हमारी हमारी सारी की सारी चीज़ें वो दिखाई देती हैं, अलग अलग तरीक़ों से देती हैं। कोलेट्रल डैमेज भी होता है, हमें लोग गंवाने पड़ते हैं, आइडियाज़ गंवाने पड़ते हैं, लेकिन कोलेट्रल डैमेज का आइडिया ही। अच्छा, एक एक अब इसको क्या मानेंगे, लगातार ये अफवाह है इसको माने या तमाम चीज़ें जो एक अभी जो वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि संविधान जो है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा और 2024 के बाद जो है बस से बदतर हालात हो जाएंगे बहुजन समाज के, तो इसको आप किस वे में ले रहे हैं? सर ये भी मैं, क्योंकि हम कोई भी समझ या विचार अपने घर से पैदा करके नहीं लाते, हम बाहर से पढ़ के देख के सुन के ही सीखते हैं। कहीं एक किसी सेंसिबल इंसान ने कहा कि संविधान को ख़त्म करने के लिए उसको फाड़ने जलाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डोंट एक्चुअली वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट डोंट इम्प्लीमेंट इट, एंड दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। और ये नहीं है कि आप एक बी से ए या बी सरकार को बोलेंगे, किसी भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया। व्हेन इट कम्स टू द एससी एसटी एंड नाउ ओबीसीज, दो द ईडब्ल्यूएस पीपल आर देयर इन द रिजर्वेशन पार्ट, बट दे आर हैविंग दैट सोशल कैपिटल जिसके हिसाब से वो समाज के अंदर तो अच्छी पोजिशन में है, इकोनॉमिकली नहीं होंगे। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो संविधान को लागू करना नहीं करना, ऐसा ये अफवाह ही है, क्योंकि सरकारें चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। हम यहाँ पर भारत के देश की राजधानी के भारत सरकार की नाक के नीचे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहब का बर्थडे, तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि सैडिस्ट बात है कि लोग ये कहते हैं कि संविधान को ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना कमज़ोर ये देश नहीं है। हम समाज की बात नहीं कर रहे, इस देश में आज भी सेंसिबल लोग हैं, सत्ता पक्ष में भी सेंसिबल लोग हैं, विपक्ष में भी सेंसिबल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा हवाई बातों पे हम टिक कर और कुछ भी कर दें, हमें ज़्यादा चीज़ें जगह एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है और हमें ज़्यादा जगह वेस्ट ना करके अगर हम काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के। तो ये तमाम लोग थे और लगातार जो बहुजन समाज को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं 2024 को लेकर, संविधान को लेकर भी तमाम बातें पूरे देश में चलती हैं। तो ये देश के युवा हैं और एक ऐसा पढ़ा लिखा युवा जो हर चीज़ जानता है, राजनीति भी, सोसाइटी भी और इकोनॉमिकल भी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।